हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे ज्वारी की रोटी। तो यह है ज्वारी का आटा जिसे मैंने छान के ले लिया है। तो इस आटे को जो है आपको गुनगुने पानी में, यानी कि थोड़े से हल्के गर्म पानी में गूंद के इस तरह से बॉल बना लेना है। और सूखा आटा लगाते हुए आपको इस तरह से दोनों हाथों के बीच में, जिस तरह से बाजरे की रोटी बनाते हैं उसी तरह से मैं आज आपको ज्वारी की रोटी बनाना बताऊँगी। इसका फुल वीडियो जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल रतन भाई सा की रसोई में जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से सूखा आटा लगाते हुए हम ज्वारी की रोटी जो है बना लेंगे। कुछ लोग इसे चकले पे भी बनाते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं आए तो चकले पे बना सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स मिट्टी का तवा जो मैंने राजस्थान से लाया है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से पलटते हुए ज्वारी की रोटी को जो है अच्छे से पका लेंगे। मिट्टी के तवे पर पकाने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये लीजिए, ये हमारी ज्वारी की रोटी जो है बन के रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है घी, और आप